Hello students, hope you all are well. Today we will study the next chapter, which is chapter 16, Indus Valley Civilization. बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग थोड़ी बहुत इतिहास के पन्नों को देख रहे हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग थोड़े से इतिहास को अपने SST में इतिहास को देखेंगे, यानी हिस्ट्री को भी जानेंगे. यहाँ जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसकी शुरुआत है कि इन 1856, 6 माइल्स फ्रॉम द रिवर रावी इन द फुट ऑफ हिमालया, सम रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्कर कम अपॉन ए स्मॉल क्रमलिंग हील ऑफ हायर बेक्ड ब्रिक्स. 1856 में रावी नदी से लगभग 6 माइल दूरी पर हिमालय के फुट हिल में कुछ रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और वहाँ पर वर्कर्स जो काम कर रहे थे तो वहाँ पर खुदाई के दौरान उनको एक छोटा सा पका हुआ ईंट का एक छोटा सा पहाड़ दिखाई दिया. अलॉन्ग विथ द ब्रिक्स सर्टेन सोप स्टोन्स एंड सील्स वेयर फाउंड, और उस खुदाई के दौरान उसमें कुछ सोप स्टोन्स और सील वगैरह पाए गए, तो तुरंत ही क्विकली कन्फर्म देयर वो लोग तुरंत इन्फॉर्म किए आर्कियोलॉजिस्ट को. और उसके बाद एक बहुत ही स्तब्ध कर देने वाली अमेजिंग डिस्कवरी सामने आई है ना, और उसी डिस्कवरी के थ्रू द रिमेन ऑफ एन एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप इन द प्लेन ऑफ द इंडस वैली. तो आज हम उसी सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे है ना, और इस सिविलाइजेशन का नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन. द इंडस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. रिमेन ऑफ सम ओल्ड टाउन्स इन द वैली ऑफ द इंडस रिवर प्रूव दैट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट दिस वैली अराउंड 3000 to 1500 BC. और ऐसा माना जाता है कि ये जो सिविलाइजेशन था वो 1500 से 3000 ईस्वी तक चली, यानी कि 1500 साल तक. द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए हाईली डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन, और अर्बन सिविलाइजेशन की जैसा ही ये सिविलाइजेशन बहुत डेवलप था. तो चलिए इसमें क्या क्या हुआ इसको पढ़ते हैं. द फर्स्ट रियूंस दिस सिविलाइजेशन वेयर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, विच वेयर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन ऑफ दिस सिविलाइजेशन. इसमें जो मेन जो इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन थे वो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो. और द टाउन वेयर प्रॉपरली प्लान एंड लाइफ वेयर ईजी एंड कम्फर्टेबल. और इस सभ्यता में, इस सिविलाइजेशन में जो लोगों का रहना, लोगों रहन सहन और व्यवस्था थी, और जो शहर वगैरह बनाए गए थे वो बिल्कुल प्लान थे, मतलब एकदम सोच समझ कर बनाया गया था, और वहाँ के लोगों का जीवन भी जो था वो बिल्कुल कम्फर्टेबल था. तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं, प्लान टाउनशिप. The excavation at Mohenjo-daro and Harappa indicate that the town were properly planned. Each town were divided into two part. है ना, ये जो ये बताता है कि उस समय के शहर जो थे वो बिल्कुल डेवलप थे, और इसको दो पार्ट में भाग दिया जाता था, बांट दिया गया था. ए हायर पार्ट विच हैड पब्लिक बिल्डिंग, रिलीजियस प्लेस एंड ग्रैनीज, और दूसरे पार्ट में ए लोअर पार्ट में कौन था, वेयर द कॉमन मैन लिव्ड. तो पब्लिक बिल्डिंग, रिलीजियस प्लेस एंड ग्रैनीज. ग्रैनीज मतलब होता है अनाज रखने का भंडारा. अब इसमें हाउस कैसे थे, तो देयर वेयर बिग एंड एज वेल एज स्मॉल हाउस. इसमें बड़े और छोटे घर भी हुआ करते थे. कुछ घर जो थे वो सिंगल स्टोरेज थे, और कुछ घर जो थे वो डबल स्टोरेज थे. यहाँ के घर का निर्माण जो होता था वो पके हुए ईंटों के द्वारा होता था है ना. दे वेयर प्रॉपरली प्लास्टर्ड, और वो प्लास्टर्ड और पेंटेड भी हुआ करते थे. और ऊपर जाने के लिए इसमें स्टेयर केस भी होता था जो रूफ तक आदमी को पहुँचा देता था.
मोस्ट ऑफ हाउस हैड कोर्ट यार्ड, कुछ बहुत अधिक जो घर होते थे वो उसमें कोर्ट यार्ड होता था, किचन्स होते थे, बाथरूम होते थे, टॉयलेट होते थे, और सभी अपने अपने साइज़ के अनुसार, घर के साइज़ के अनुसार बने होते थे। द डोर ऑफ द हाउस ओपन इन अ सिंगल कोर्ट यार्ड, और उन घरों की जो दरवाजे थे वो सिंगल कोर्ट यार्ड में खुलते थे, और विंडो जो थे वो गलियों में खुला करते थे। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता हमारा फूड। तो उस समय के सिविलाइजेशन में जो लोग हुआ करते थे उनका मेन जो काम था वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि खेती करना था। इसलिए वहाँ पर क्रॉप जो उगा करते थे वे थे वीट, बाली, पीज वगैरह। दे नोन हाउस टू ग्रीन ग्रैन, और वे लोग ये भी जानते थे कि इन ग्रैंस को कैसे रखना है और इनको कैसे सुरक्षित रखना है, और इनको जो ग्रिंड करके उनकी चपाती वगैरह बनती थी, और ये लोग फ्रूट खाया करते थे, वेजिटेबल्स खाया करते थे, एज वेल एज़ ये मीट, एग और फिश भी खाया करते थे, है ना। उसके बाद में आता है क्लोथ्स। तो उस समय में ये लोग जो कपड़े पहना करते थे वो कॉटन की हुआ करती थी। इट टू मेक कॉटन क्लोथ्स, दे वेयर एक्सपर्ट इन स्पाइनिंग एंड वीविंग क्लोथ्स, है ना। ये एक्सपर्ट हुआ करते थे स्पाइनिंग और वीविंग करने में क्लोथ्स का। इसके अलावा जो कुछ क्लोथ्स पाए गए हैं उस जगह में वो उलेन क्लोथ्स भी थे। तो इनसे माना जाता है कि ये लोग कॉटन के अलावा उलेन क्लोथ्स भी पहनते थे। बोथ मैन एंड वुमेन वोर सिंपल रॉब्स ऑफ कॉटन एंड अ पीस ऑफ उलेन क्लोथ्स रैप्ड अराउंड देयर बॉडीज, है ना, अपने बॉडीज के इर्द गिर्द रैप्ड करके रखते थे, और या फिर वो अपने ओल्ड शोल्डर पे एक साइड से बेयर करते थे, है ना। पीपल जो थे वो ज्वेलरी भी पसंद करते थे पहनना, और इनके ज्वेलरी जो होते थे वो सील्स के, बोन्स के, सिल्वर के, गोल्ड के हुआ करते थे, है ना। दे ऑल्सो हैड कॉम्ब्स एंड हेड पीसेज टू डेकोरेट देयर हेयर, और इसके अलावा वो अपने बालों को, औरतें अपने बालों को सजाया करती थी, बालों को झाड़ा करती थी, और हेड पीसेस से इसको डेकोरेट की करा करती थी, जो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद आते हैं हम मेंस ऑफ रिक्रेशन, उनके रिक्रेशन का समय कैसे बीता था। टॉयज मेड ऑफ क्ले हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम दिस सिटीज, उस समय में वहाँ के बच्चों के लिए लोग जो खिलौनों का निर्माण करते थे वो भी उस वहाँ से रिकवर किया गया है। दे वेयर इन द शेप ऑफ स्मॉल कार्ट्स, और ये खिलौने जो स्मॉल कार्ट्स के रूप में बनाए जाते थे, आप देख पा रहे हो ना पिक्चर में, है ना, उसमें डॉल्स, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह होते थे, और एडल्ट्स जो होते थे वो अपने इंजॉयमेंट के लिए सिंगिंग, डांसिंग, हंटिंग और एनिमल फाइटिंग वगैरह करवाया करते थे। अब हम लोग रिलीजियस की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। तो उस समय के लोगों में जो धर्म था वो द सील्स, स्टैचूज एंड पिक्चर्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द डीज प्लेसेस गिव अस सम आइडिया अबाउट द रिलीजियस फेथ ऑफ द पीपल। ये जो सील आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये उस समय के रिलीजियस को और विश्वास को उस समय के लोगों का दिखाता है, जिसमें वो लोग जो पूजा करते थे वो होते थे लॉर्ड मदर गॉडेस को पूजा करते थे, लॉर्ड शिवा को पूजा करते थे, और नेचर के डिफरेंट फॉर्म को पूजा करते थे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, एनिमल्स वगैरह को। ट्रेड की बात करें अगर, तो इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग, वेविंग एंड पोल्ट्री वगैरह, इस तरह के ऑक्यूपेशन लोगों के अंदर थे, है ना। कहाँ पे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में ये सारे एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग, वीविंग एंड पॉटरी वगैरह ये लोग ऑक्यूपेशन के तौर पे अपनाया करते थे। सम पीपल मेड ज्वेलरी एंड टेंसिल्स एंड टूल्स फ्रॉम डिफरेंट मेटल, और उस समय कुछ लोग जो थे वो ज्वेलरी, बर्तन और टूल्स भी बनाया करते थे तरह तरह के मेटल से, है ना। और पीपल ट्रेड देयर गुड्स विच ईच अदर इन लोकल मार्केट, और लोकल मार्केट में वो एक दूसरे से अपने सामान का व्यापार भी करते थे, और इसके अलावा दे ट्रेड विथ अदर नेबर रीजन लाइक द पर्सियन गुल्फ, और दूसरे रीजन में भी ये लोग
अपना सामान का व्यापार करते थे, जैसे जिसमें आता है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड अफगानिस्तान। तो इस तरह से हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अब हम देखेंगे फॉल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हो गया? तो इस सिविलाइजेशन के अंत के बारे में कोई हमें खास जानकारी तो नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि अबाउट 1000 ईयर्स अगो है ना, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट फॉर अबाउट 1000 ईयर्स अगो व्हेन द देन आर्यन स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू इंडिया अराउंड 1500 BCE। ठीक है, और इस सिविलाइजेशन में जो इनका नष्ट होने का था वो काउजेस तो कुछ समझ में नहीं आता है, बट ऐसा माना जाता है कि नेचुरल काउज हो सकता है, जिसमें कि फ्लड हो, एपिडेमिक हो वगैरह वगैरह, या चेंजिंग इन क्लाइमेट हो। तो इस तरह से इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हो गया, और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सिविलाइजेशन थी, बहुत वेल मेंटेन सिविलाइजेशन थी, जस्ट लाइक अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो इस तरह से आप जो ये चैप्टर को पढ़ रहे हो, ये आपका चैप्टर हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। देन गुड बाय।